एंड सामने बहुत बड़ा एक पहाड़ दिख रहा है और यहाँ से घाटियाँ चालू हो गई और रास्ता भी ब्लॉक चालू हो गया। ट्रक वाले क्या चला रहे हैं यार यहाँ पे स्पीड में, ये बहुत ही रिस्की रास्ता है। और ये पहाड़ तो देखो, सुबह सुबह पहले देखेंगे अपनी गाड़ी एंड क्या बात है, क्या लग रही है गाड़ी, नहीं कहाँ तक लेके आ गई हमको यार, और सेफ लग रही है अब, कुछ निकला विकला नहीं है। यह है कल वाली राइड में जो ये लोग कवर होता है फॉग लैंप का, वो एक साइड का कवर गिर चुका था, पता नहीं दिखाई नहीं, एक साइड का अभी तक येलो कवर है जो फॉग में काम आएगा, बट एक वाइट है तो बिगड़ देगा, कोई बात नहीं। एंड अभी आज थोड़ा लग रहा है कि जल्दी है, 8 बज रहे हैं और 8 बजे पैकिंग अभी भी कंटिन्यू चालू है, 10-15 मिनट और लगेंगे, 8:30 बजे तक या 9 बजे तक मैक्स टू मैक्स निकल जाएंगे, वो भी सही टाइम है 9 बजे तक भी। एंड आज 9 घंटा चलाना है, 7 से 8 घंटे का रास्ता है, ब्रेक लेंगे उसके साथ मेरे ख्याल से 10 घंटा आज की राइड हो जाएगी। एंड आज मनाली पहुंचना ही है, क्या बोल रहे हो नीरू, पहाड़ देखने को मिल जाएंगे नीरू, आज मनाली पहुंचेंगे तो घाट वाट पहाड़ सब आएंगे, तो बहुत मजा आएगा। अभी रेगुलर जो हाईवे ट्रैफिक वो अभी से नहीं दिखेगी, अभी चंडीगढ़ में अभी हम मनाली ऐसा कुछ है चंडीगढ़ के पास, वहां पर स्टे किया हमने एंड आज का मनाली टू रहेगा मनाली, क्या बात है, मजा आने वाला है, जल्दी से पैक करते हैं। इसी के साथ वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल PM मशहूरी, कैसे हैं सब लोग, बढ़िया। एंड चलो निकलते हैं बाइक पर, बाइक कल मैंने शाम को आते ही चैन ल्यूब कर दी, जैसे तैसे करी बट हो गई है, रेडी मैं भी रेडी। और हम मोहाली से निकलते हुए, रास्ता अच्छा बट ट्रैफिक एंड बाइकर्स हैं एंड कार हैं सब, ये जो हैं थोड़ा अभी परेशान कर रहे हैं हमको, ये देखो और सिग्नल्स भी मिल रहे हैं हमको, ट्रैफिक मोहाली में ठहरे थे हम। चलो भैया जाने दो। मौसम तो अब तक सही चल रहा है, धूप नहीं लग रही है और रास्ता भी बहुत ही बढ़िया है, कब तक है पता नहीं बट अभी तो मज़ा आ रहा है, एकदम सही रास्ता है। वहाँ पीछे यार एक फाटक मिला, उस पर पूरा 10-15 मिनट निकल के, वाह क्या मस्त नज़ारा यार, पानी देख के बहुत मज़ा आता है इतनी गर्मी में जिधर भी पानी ऐसा भरा हुआ, मतलब तालाब या नदी ऐसा कुछ दिखता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम पूरा गर्मी हो रखे होते हैं, बहुत प्यास लगी होती है और उसमें पानी दिख जाता है तो मज़ा आ जाता है। तो हाईवे से जस्ट अभी राइट टर्न लेके मैं सिंगल रोड पे आ गया हूँ, गूगल बाबा आप यहाँ पर लेके आए हैं, और थोड़ी देर पहले एक बोर्ड आया जहाँ पे लिखा था कि पंजाब बॉर्डर एंड्स, तो पंजाब अभी यहाँ से ख़त्म हो चुका है एंड अभी हम मनाली की ओर हैं, और ये कौन सा रास्ता है पता नहीं, सही है कि गलत, गूगल मैप जो बता रहा है उसके हिसाब से जा रहे हैं। ओ बाबा जी जाने दे बाबा जी। एंड सामने बहुत बड़ा एक पहाड़ दिख रहा है, अभी से मेरे ख्याल से पहाड़ चालू हो जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से घाटियाँ चालू हो गई और रास्ता भी ब्लॉक चालू हो गया। ओरे बाप रे, इतने बड़े बड़े पत्थर, और मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी घाटियाँ आ जाएंगे, अभी तो 11 ही बजे हैं, 9 बजे तो हम निकले, 2 घंटे में घाटियाँ चालू हो गई, और जस्ट पीछे हमने समोसे एंड चाय पी ली, मज़ा आ गया, सुबह से चाय नहीं पी थी यार हमने। गाड़ी हीटिंग अभी होगी गजब वाली, क्योंकि घाटियाँ अब से शुरू हो गई और गाड़ी ऊपर एक तो ऑलरेडी वेट ज़्यादा है और चढ़ान आ जाएगी, जिससे और भी गाड़ी ऊपर ताकत लगेगी। तो यहाँ से आपको पहाड़ देखने मिल जाएंगे, ये रास्ता ऐसा है कि लगेज के ऊपर बहुत सारा लोड एक्स्ट्रा खड्डों की वजह से पड़ रहा होगा। कब से थर्ड में चल रही है और नीरू मुझे पीछे से हाथ से दबा रही है बार बार उसको बार बार डर लग रहा है, और वो ट्रक चल रहे हैं ये देखो, वाह ध्यान रास्ते पे देना है, इतना ऊपर चढ़ के आ गए हैं हम एंड पेट्रोल के पॉइंट 4 हैं। मैं सोच रहा हूँ किधर भी पंप दिखे तो फुल करवा लूंगा, भाई ऐसी घाटियों में ज्यादा पंप मिलेंगे नहीं, तो जिधर भी मिले उधर फुल करवा लेंगे। बहुत ही ध्यान से चलाना है, नीचे देखने की इच्छा बहुत होती है बट डर भी लगता है कि यार नहीं रास्ते पे ही देखो, थोड़ा सा भी चूक हो गई तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देखो ट्रक वाले हाँ, ट्रक वाले क्या चला रहे हैं यार यहाँ पे स्पीड में, क्योंकि उनका ऐसा है ना पावर टूट गया तो फिर गाड़ी चढ़ती नहीं है, तो एक्स्ट्रा पावर से आते हैं और दूर से लाइटें हॉर्न बजाते, भाई हट जा करके, ए बोला यार देखना इनसे बच के रहना पड़ेगा, मुझे लगता है पीछे के लाइनर खत्म हो जाएंगे मनाली पहुंचते, क्योंकि ऑलरेडी हम घर से 1500 किलोमीटर चल चुके हैं, काम चालू ही है रास्ते का अभी भी, बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी है, बहुत ही रिस्की रास्ता है, मतलब कि सही में रिस्की रास्ता। Oh my God, ये देखो, वाह, shit यार,
सही में इतना कोई नहीं है, कोई नहीं, चलो जाने दो। इतने दिनों तक सिर्फ वीडियोस में ही देखते रहे मनाली लद्दाख, एंड फाइनली यार पहुंच गए। टन 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 देखा मेरे हाथों में और पैरों में कितना पावर लग रहा है वो आपको फील नहीं हो रहा होगा, बट मैं कितना ब्रेक कर रहा हूँ, कितना एक्सलेटर कर रहा हूँ, गजब है यार। सही में फाइनली इन मनाली की घाटियों में वो भी बाइक से पहुंच गए हैं। वाह, नीरू पीछे से आवाज करी, ओह शिट, ध्यान से ट्रक वाले का टेंशन है मुझे, और कुछ नहीं है, वो फिर दबा नहीं पाएंगे। कार वाला थोड़ा इधर उधर हैंडल घुमा के कर लेगा। बीच में क्योंकि गोप्रो बंद हो गया था बीच में। ओह शिट, क्या स्पीड में जा रहे हैं, गजब की ट्रैफिक और गजब का रिस्क फैक्टर यहाँ पर, और ये बंद हो जा रहा है बीच में, तो इसके लिए भी रुकना पड़ रहा है। ओए भाई, ये तो बहुत ही पतला रास्ता है, सामने बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाए तो टच हो जाए ऐसा लग रहा है यहाँ पर एक फोटो तो नहीं यार, यहाँ पर नहीं, वो पीछे वाली लोकेशन बहुत ही अच्छी थी। मैप में दिख रहा है इधर से वहाँ पर जाना है, ब्रिज है, ब्रिज से वापस ऊपर आना है, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में कनेक्ट हो रहे हैं हम, और यहाँ से हम एक ब्रिज से दूसरे, सॉरी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में कनेक्ट होंगे। वाह, उधर देखो दो कलर वाली पाने, एक दूसरा कलर, एक दूसरा कलर, और ये टर्निंग तो देखो गजब वाली, बहुत ही ध्यान से गाड़ी में पावर कम नहीं है भाई। ओ, मजा आ गया, मजा आ गया। अब दो दिन के, तीन दिन के संघर्ष के बाद फाइनली हमको जहां पहुंचना था, जो नज़ारे देखने थे, वो उनकी शुरुआत हो चुकी है। एंड अभी से हम अपना ऐसा लग रहा है कि नहीं, जहां सोचा था वहां पहुंच रहे हैं, मज़ा आ गया, और बिना कुछ प्रॉब्लम के, छोटी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई किधर भी। बट मेन रिस्क फैक्टर अभी चालू हुआ है एंड लद्दाख तक है, बस वहां हम आराम से बिना कोई प्रॉब्लम के पहुंच जाएं और वापस आ जाएं। और गाड़ी का अब टेस्ट होगा रियल वाला कि कितनी तू एडवेंचर है। एंड यहाँ पर भी अपना बिंडी बिंडी हर जगह चाहिए हमको। वाह बाप रे, यहाँ के खाने में एक चीज़ मैंने नोट करी, एकदम प्योर एंड कुछ मसाला ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल आराम से मज़े में टेस्ट घर के जैसा खाना मिलता है यहाँ पर, जो कि मैं कुछ हरियाणा से नोट कर रहा हूँ, तब से यहाँ तक बिल्कुल मज़ा आ रहा है। एंड पूरा ये आप देखोगे, पूरा हरियाली हरियाली यहाँ पर, अभी भी हम घाटों में हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक मेरा येलो है एंड एक निकल गया, नहीं है, एक ही है, एक पता नहीं कल गिर गया, किधर गिरा कुछ पता नहीं। और आगे बंदर भी थे, बंदर के तो वैसे एकदम पोमेरियन जैसे बंदर लग रहा था, मुंह अगर नहीं देखे तो पीछे से पोमेरियन ही लग रहा था बंदर। पुलिस पोस्ट और यहां से हिमाचल पुलिस चेकिंग, वेलकम टू हिमाचल क्यों लिखा था। ओ वाओ वाओ, ये डैम है पूरा, देखो हमसे आने से पहले जोरों से गिरी है बारिश, लगता है पूरा रास्ता फीका हुआ है। नीरू इतनी ट्रैफिक सही में रेगुलर, मतलब इतनी होती है, अभी बढ़ गई है ट्रैफिक यार, मुझे समझ नहीं आ रही ऐसे रास्तों में इतनी सारी ट्रैफिक कैसे है यार, बहुत ही ट्रैफिक है यार। ये पहाड़ तो देखो, माय गॉड कितना ऊंचा है, और नीचा देखना है मुझे, वो गिर जाएंगे किधर, कितनी ट्रैफिक है यहाँ पर सही में। और सब पंजाब हरियाणा सब घूमने वाले ही लग रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की गाड़ियाँ तो इतनी नहीं है जितनी पंजाब हरियाणा। पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए अपनी ड्रैगन कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कच्छ भुज गांधीधाम के रहने वाले हम पहुँच गए हैं मनाली, वो भी ये टू व्हीलर ड्रैगन KTM 390 एडवेंचर पर। वाह 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 वाह, वो क्या है, पहाड़ के बीच में से इतने सारे खड्डे निकाल दिए, रास्ता बन रहा है क्या, नहीं ये हॉल है ना, उस तरफ हॉल है क्या, अच्छा उधर भी है देखो, है ना, तो मेरे ख्याल से रास्ता है या कोई लाइन है, पाइप लाइन ऐसा कुछ। ये पानी देखो कितना, ओह शिट, चलो चलो चलो, पैर नहीं रखना मुझे।
कभी खत्म होगा, कभी पहुंचेंगे मनाली। अंधेरा हो जाएगा आज भाई, पर चलेगा, मनाली में रेस्ट ही करना है। मैं हूँ अभी बालकनी में, पता नहीं शक्ल इतना लाइट की लाइट से दिख रही है कि नहीं, बट आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल पीछे नदी है और बहुत ही मस्त आवाज़ आ रही है यहाँ से, और अपनी गाड़ी भी इधर ही खड़ी है। हम आ जाते हैं अपने अंदर रूम में और जस्ट हो गए फ्रेश, मज़ा आ गया बिल्कुल। आज की राइड तो बहुत थकान भरी थी, तो 8:30 का टाइम दिया था गूगल ने, 8:30 बजे पहुंच गए। सुबह टाइम दिया था उसने 5 बजे, फिर 6 बजे, फिर 7, फिर फाइनली 8:30 का टाइम था आसपास। मतलब कि 100 किलोमीटर में काटने में कितना टाइम लग गया यार, क्या रास्ते हैं। हम जो प्लान करके आते हैं कि यार घाटियों में जाएंगे, मज़ा आएगा ये वो, बट इतना काम चालू है रास्ते में, पूरे हमारा सामान जो जितने सारे बैग थे वो सब गंदे हो गए, बाइक भी मेरी फुल गंदी हो गई है। रात अंधेरा होने का थोड़ा ये था कि नहीं अंधेरा होने से पहले पहुंचना है, तो रास्ते में मैंने बहुत कम स्टॉप लिए फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए। पानी और चाय के लिए तो ब्रेक हो ही रहा था, खाने के लिए ब्रेक लिया, चाय के लिए ब्रेक लिया, एंड दो ढाई घंटा कंटिन्यू बाइक चला रहा ही था मैं। पहाड़ों में फाइनली आ गए हम, तो वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। मनाली पहुंच चुके हैं, कल का प्लानिंग है मनाली में ही स्टे करना है, ले के लिए परमिशन लेना है, कोविड का चेक करना है कि क्या सीन है क्या नहीं है। बाकी वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दीजिएगा, क्योंकि अभी और 10-15 दिन मेरे ख्याल से कंटिन्यू वीडियो आएंगे एंड बहुत ही मेहनत लग रही है कसम से। कल रात को 2 बज के वीडियो एडिट करने में एंड फिर जाके वीडियो अपलोड हुआ, मेरा फोन बज रहा है कि घर से फोन आ रहा है, ये बहुत डरपोक लड़की है, घर से बार बार उसको फोन आते रहते हैं, बहुत सारे आदमी देखते तो भी डर जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए एंड बाय बाय।